फैमिली, सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ शिखा एंड चैनल का नाम है एक्सप्लोर लाइव विद शिखा। सो आपको करना क्या है, जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और आप भी बन गए हमारे इस ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा। सो गाइज, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक दूसरी मार्केट। तो आज मैं आपके लिए आई हूँ लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट। आपने सुना होगा बहुत फेमस मार्केट है, मतलब हर टाइप की आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी, आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा अमेजिंग कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं लाजपत नगर की मार्केट। सो गाइस देखिए, मैं पहुँच गई हूँ लाजपत नगर की मार्केट। सो ये एंट्रेंस है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जब एंटर करेंगे आप तो यहाँ पर आपको डोलमो आंटी के मोमोज की शॉप मिलेगी बिल्कुल एंट्रेंस पे, तो आप पहचान जाइए कि आपने लाजपत नगर की मार्केट में एंटर कर लिया है। सो चलिए अब मैं आपको यहाँ का एक कलेक्शन दिखाना स्टार्ट करती हूँ। सो देखिए, जैसे हमने एंटर किया, एक ये हमें शॉप मिली प्लाजो एंड कुर्ती की। सो देखिए, ये JMD हैंडलूम के सामने एक भैया लगाते हैं और इनके पास ना बहुत अमेजिंग कलेक्शन था प्लाजो एंड कुर्ती का। सो देखिए, पहले भैया ने 500 की सेल लगाई थी लेकिन अभी इन्होंने 350 का प्लाजो सेट कर दिया है। और फैब्रिक की बात क्या करूँ गाइस, फैब्रिक वाइज ना बहुत अच्छे थे। इसमें आपको कॉटन एंड खादी कॉटन ही मिलेगा, तो बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन था इनके पास। तो बाकी मैंने भैया से रिक्वेस्ट भी की थी, मेरी जो फैमिली जो है दिल्ली के बाहर है, कि अगर आपको पसंद आता है कि वो आपको ऑनलाइन भेज दे। तो भैया बोल तो रहे थे कि वो भेज देंगे, लेकिन देखिए मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं मतलब गारंटी नहीं लेती कि वो भेज देंगे, लेकिन फिर भी मैंने उसका नंबर लेके कॉन्टैक्ट नंबर उनका दिया है, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा कलेक्शन था, मतलब कॉटन का था, खादी कॉटन का था, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर डिज़ाइन थे। 350 रुपीज़ में गाइस बहुत ही अच्छे मुझे ये लगे। देखिए 350 रुपीज़ तो हम स्टिचिंग चार्जेस दे देते हैं और 350 रुपीज़ में आपको सिला चलाया इतना बढ़िया पेयर मिल रहा था समर्स के लिए। समर्स के अकॉर्डिंग कलर बहुत सूदिंग थे एंड रेट तो मुझे सच में बहुत अच्छे लगे। तो देखिए, मस्टर्ड येलो वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और देखिए, एक एक तो खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी सारा भैया के पास कलेक्शन था, तो आप भैया से मतलब कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलने पर ये यहाँ पर कुछ ट्राउजर्स एंड प्लाजो थे, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे, मतलब स्टाइलिंग डिफरेंट होगी प्लस कलर पैटर्न डिज़ाइन भी डिफरेंट होगी। एक देखिए, मतलब इसमें फ्रंट में ने बटन की डिटेलिंग थी, इस तरीके से फ्रंट ओपन पे था। और फिर तो ये 250 रुपीज़ का था। फिर एक ये वाला जो मैं मस्टर्ड येलो कलर का आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से ऊपर इलास्टिक थी वेस्ट बेल्ट पे और उसमें साथ में बेल्ट भी दी हुई थी फैब्रिक की, तो ये सब 250 रुपीज़ के थे। तो इसमें भी अलग अलग कलर्स एंड अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, जैसे स्ट्राइप्स मिल जाएंगे। और फैब्रिक की अगर बात करूँ तो फैब्रिक इनका भी कॉटन खादी कॉटन, मतलब मोस्टली अब समर्स का ही फैब्रिक था। इनको आप जैसे घर में कैरी कर सकते हैं, आप इवन आप इनको बाहर भी टी शर्ट वगैरह के साथ कैरी करके जा सकते हैं, तो भी ये समर्स के हिसाब से बहुत अच्छे थे। सो इसमें देखिए कि पिंक वाला मैंने भैया से निकलवा के देखा था, नीचे को भैया ने रखा हुआ था। देखिए मुझे बहुत क्यूट लगा, आप देख सकते हैं स्ट्राइप्स में और खादी कॉटन का इसका फैब्रिक का मतलब बहुत प्यारा था ये सच में। सो अगर आप भी परचेज करना चाहते हो आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, भैया ने एक ये भैया के पास वैरायटी थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स थी। तो क्या ये नीचे से ना बंद वाले थे, जैसे बंद होते हैं ना हेम स्टाइल में जैसे होते हैं उस टाइप के थे। तो ये 200 रुपीज़ के थे और इसमें भी आपको बहुत अलग अलग पैटर्न, बहुत अलग अलग डिज़ाइन, बहुत अलग अलग प्रिंट्स एंड बहुत अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पैटर्न्स में हैं, तो ये भी समर्स के लिए बहुत अच्छे थे, आप घर में इनको कैरी कर सकते हैं इजीली। फिर एक भैया के पास ये प्लाजो थे, ये नीचे से ओपन में थे जो काफ़ी ब्रॉड थे नीचे से, इनको आप टी शर्ट्स के साथ कैरी करिए या फिर इन कुर्ती के साथ भी आप किसी मैच कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा आगे चल के देखिए, भैया ने टॉप की सेल लगाई हुई थी, ये सिर्फ 250 रुपीज़ में टॉप थे और इनका भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छे टॉप में मुझे लगे। अलग अलग फैब्रिक था इनका, कोई कॉटन पे था, कोई सॉरी रेयन पे था, उसके अलावा आपको जॉर्जेट पे, शिफॉन पे, अलग अलग फैब्रिक एंड अलग अलग स्टाइल में मिल जाएगी। कोई क्रॉप था, कोई लॉन्ग टी शर्ट में था, मतलब किसी के अलग टाइप की स्लीव थी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं उस टाइप से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग। तो देखिए ये टॉप का कलेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा इनका भैया का। फिर एक अंकल ने ना ये लॉन्ग टी शर्ट टाइप सॉरी लॉन्ग ड्रेसेस लगाई हुई थी, एयर लाइन ड्रेसेस टाइप, सामने से फ्रंट मतलब बटन की पूरी फ्रंट होता है इनका, एंड ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये देखिए, अंकल ने वैसे 350 बोला था लेकिन फिर मैंने रिक्वेस्ट करी आप लोगों के लिए थोड़ी, तो अंकल ने 300 रुपीज़ इसका बोल दिया था।
तो इसमें भी बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न्स थे, प्रिंट्स थे, स्ट्राइप्स में थे, मतलब अलग अलग टाइप के थे। और फैब्रिक की अगर बात करूँ तो मोस्टली खादी कॉटन एंड कॉटन में, तो गाइस कुछ मतलब अच्छी बात क्या, कुछ तो आपको ना चिकनकारी पे भी मिल जाएंगे, जो चिकनकारी वाले भी बहुत अमेजिंग लग रहे थे। और रेट वही सबका 300 रुपीज़ था। अंकल के पास आपको कुछ जॉर्जेट में भी मिल जाएंगे, वन पीस ड्रेसेस मिल जाएंगी जॉर्जेट वाली। देखिए कि पोल्का डॉट वाला भी बहुत प्यारा था, वाइट पे ब्लैक कलर की पोल्का डॉट थी, और शर्ट साइड में था बहुत प्यारा था। कुछ इस तरीके स्टाइप्स में थे। एक अभी आपको मस्टर्ड में दिखाऊंगी, वो मैंने निकलवा के अंकल से फेस पे दिखाया था, क्योंकि उसकी भी ना बहुत प्यारा उसका डिज़ाइन था, मस्टर्ड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में था। देखो मैं इसकी बात कर रही थी, ये वाला आप देखिए, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स एंड पैटर्न्स इसमें अवेलेबल थे, तो आप विजिट कर लीजिए। और लाजपत में आपको ना ये काफ़ी सारे आपको स्टोल्स मिल जाएंगे इस टाइप्स के, कि जिससे आपको इस टाइप की ड्रेसेस मिलेगी। देखिए रेंज का थोड़ा सा मतलब स्टोल टू स्टोल थोड़ा सा डिफर हो सकता है, लाइक मतलब कोई आपको 350 बोलेगा, कोई आपको 400 एंड कोई 450, लेकिन मोस्टली मतलब 300-350 तक सब दे सकते हैं। तो आप पूरी अपनी बार्गेनिंग स्किल्स जो है ना उनको आप यूज़ करिएगा एंड पूरी अपनी बार्गेनिंग कर लीजिएगा, जितना भी आप मतलब कर सकते हैं। तो वही 300-350 में ये बहुत प्यारी ड्रेसेस थी, कुछ इस तरीके जैसे पोल्का डॉट में रेड कलर का प्यारा था, फिर एक बेबी पिंक कलर में था, ये वन पीस ड्रेस थी जॉर्जेट पे थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, रेड वाली भी बहुत अच्छी थी। फिर देखिए इस टाइप के टॉप थे भैया के पास, तो ये टॉप भी बहुत प्यारे थे आप देख सकते हैं, तो ये भी 250 रुपीज़ के थे, टी शर्ट स्टाइल में टॉप थे ये, लेकिन बहुत क्यूट लग रहे थे। और फैब्रिक की बात करूँ ना, बिल्कुल मतलब जो एक सॉफ्ट का फैब्रिक होता है ना, इम्पोर्टेड फैब्रिक टाइप था इसमें, तो 250 में मुझे बहुत अच्छा लगे। और मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग में एक तो मैंने अपने लिए भी परचेज किया अभी वीडियो में, शायद मैंने वो कवर भी किया दिस वन, तो ये पिंक वाला जो था ये मैंने अपने लिए परचेज किया है। और फैब्रिक गाइस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे मुझे लगे 250 में, बहुत अच्छे टॉप थे। फिर ये जैसे इन्होंने भैया ने कुछ ड्रेसेस लगाई थी, ये नी लेंथ तक की वन पीस ड्रेसेस थी, तो ये 450 की भैया ने बोली थी, लेकिन आप थोड़ी बार्गेनिंग कर लीजिएगा तो वो शायद आपको 400 या 350 भी लगा देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी थी इनके पास, ये जॉर्जेट पे थी जो वो ब्लू कलर की मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इनके पास रेयॉन कॉटन पे थी, कॉटन पे थी, वो शर्ट स्टाइल में थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में अवेलेबल थी। ये देखिए ये रेयॉन कॉटन के ऊपर थी, साथ में इसमें लेस की भी थोड़ा वर्क किया हुआ था। तो ये देखिए ब्लू वाली, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। देखिए गाइस ये इस तरीके से बहुत सारी शर्ट्स अवेलेबल थी, और आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए ये एक मैरून कलर का था, ये भी बहुत प्यारा था। फिर एक भैया खड़े हुए थे, और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने श्याम जी फुटवेयर के सामने ही भैया खड़े हुए थे, और देखिए ये एक मैरून कलर का था, ये भी बहुत प्यारा था। फिर एक भैया खड़े हुए थे, और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने श्याम जी फुटवेयर के सामने ही भैया खड़े हुए थे, और ये भैया के पास भी वही वन पीस ड्रेसेस थी, ये ऊपर से स्ट्राइप में थी। सो इसमें देखिए इस तरीके से इसमें अलग अलग पैटर्न थे, और अगर फैब्रिक की बात करूँ तो खादी कॉटन के ऊपर थी मोस्टली, लेकिन बहुत ही प्यारा स्टफ था इनका भी। और कलर पैटर्न की तो बात करें, बिल्कुल समरिश कलर्स थे, समरिश फैब्रिक था, और मतलब बहुत स्टाइलिश लग रही थी, मतलब जैसे जो गर्ल्स ऐसा पहनना पसंद करती हैं वो घर में पहनी या बाहर भी बना पहन कर जा सकते हैं, तो बहुत प्यारी थी। 350 रुपीज़ की थी, भैया ने वैसे 450 बोला था, फिर मैंने थोड़ा सा उनको बोला कि नहीं भैया आप सही बताइए कितना लगाएंगे, तो भैया ने बोला चलिए 350 लगा दूंगा, कि वाइट पोल्का डॉट पे बहुत प्यारी थी। फिर इसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग कलर्स एंड अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो देखिए वन बाय वन भैया दिखा रहे हैं। तो देखिए अभी तो आज मैंने क्या है, आज मैंने मोस्टली ना कपड़ों को ही मैंने कवर किया था लाजपत नगर मार्केट में। तो लाजपत नगर में आपको ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल जाएंगी, आपको फुटवेयर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, एंड आपको हाउस होल्ड के काफ़ी सारे कुशन कवर लाइक टोकरी वगैरह सब बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाता है। इवन बैग्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, हैंड बैग हो या फिर पर्स हो गए, क्लचेस हो गए, सब बहुत मतलब भरमार वैरायटी। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक पूरी डिटेल वीडियो इन सब चीज़ों को कवर करते हुए आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए भैया के पास इसके अलावा जो मैंने देखा, इसके अलावा वही वन पीस ड्रेसेस भी थी, वो भी वही 350 रुपीज़ की थी। तो देखिए चिकनकारी पे भी जो मैंने पहले एक अंकल 300 का दे रहे थे, ये भैया 350 का दे रहे थे। तो देखिए मैंने बोला थोड़ा प्राइस का डिफरेंस हर जगह आपको थोड़ा सा मिल सकता है। उसके अलावा फिर देखिए प्लाजो सेट्स थे 600 रुपीज़ में, और ये भैया की शॉप की लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वो दिखाई थी। देखिए ये स्टैंडर्ड ज्वेलर्स करके एक शॉप है, और उसके नीचे भैया ने अपना लगाया हुआ था स्टॉल,
तो 600 रुपीज़ में प्लाजो सेट्स थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, फैब्रिक कॉटन था, बिल्कुल प्योर कॉटन था, कमलिश बिल्कुल फैब्रिक था प्योर क्वालिटी का। तो देखिए 600 रुपीज़ में मुझे बहुत पसंद है। हालांकि पहले इनकी रेंज 500 हुआ करती थी, लास्ट समर में मैं गई थी तो 500 रुपीज़ में मिलते थे, बट अभी इन्होंने भैया कहते हैं पीछे से प्राइस बढ़ गया एंड ऑल, तो भैया ने 600 रुपीज़ इनकी प्राइस फिक्स कर रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल फिक्स है, थोड़ा बहुत अगर आप 1-2 पीस इकट्ठा लेते हैं तो वो आपको थोड़ा शायद कम भी कर देंगे, तो वो आप डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना कम उनसे करवा पाते हैं। तो देखिए 600 में भी खैर मेरे कोई मतलब मुझे तो वर्थ ही लगे, क्योंकि आजकल देखिए 300-400 तो आपके स्टिचिंग चार्जेस चले जाते हैं, और देखिए अगर आपने ये एक सीज़न भी जिसे आपको पहन के निकल गया ना, तो आपको देखिए पैसे वसूल करने वाली बात है, क्योंकि 600 रुपीज़ में देखिए आपको सिला सिलाया इतने। बहुत अच्छा लगा, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी थी, जिग जैग में आई थिंक उसका प्लाजो था, तो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स डिज़ाइन थे। आप खुद एक बार विजिट करिए तो आप खुद अपनी पसंद से ले पाएंगे। फिर थोड़ा आगे चले तो भैया ने नाइट सूट्स लगाए हुए थे, तो नाइट सूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। नाइट सूट आपको रेयन कॉटन पे मिल जाएंगे, कॉटन पे मिल जाएंगे और खोजी कॉटन पे मिल जाएंगे, प्लस आपको इसमें ट्राउजर वाले मिल जाएंगे, शॉर्ट्स वाले भी आपको मिल जाएंगे। तो जो ट्राउजर वाले नाइट सूट थे उनकी प्राइसिंग थी 600 रुपीज़ एंड जो शॉर्ट्स के साथ थे उनकी प्राइसिंग थी 500 रुपीज़, लेकिन वो 500 जैसे बोलते हैं भैया 400 तक लगा देते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चले पर गाइस वहाँ पर हमें ना छोटी जो हमारी बेबी गर्ल्स होती है ना उनके लिए हमें फ्रॉक की एक मतलब मुझे स्टॉल दिखा, तो यहाँ पर लेके आपका 1.5 से लेके और 16 ईयर्स तक की गर्ल्स के लिए फ्रॉक मिल जाएंगे, और बहुत अच्छा इनका फैब्रिक था और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनिंग थे, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न थे, प्योर कॉटन की फ्रॉक थी और सिर्फ 250 रुपये में आपको ये मिल रही थी। आप देखिए ये बहुत ही प्यारी लग रही थी ब्लू कलर की, तो मैंने कुछ कुछ भैया से निकलवा के आपको दिखाने की कोशिश करी है कि एक थोड़ा सा आपको एक लुक मिल जाए, एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके की फ्रॉक है। तो देखिए घर में डालने के लिए क्या इवन क्या, मैं तो बोलूँगी अगर बाहर पहना के भी हम समर्स में ले जाते हैं तो बहुत स्टाइलिश, बहुत ट्रेंडी लग रही थी और बहुत प्यारी प्यारी थी, सीरियसली बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत प्यारी लगी मुझे ये। तो देखिए मैं आपको कुछ भी दिखा रही हूँ, देखिए कि ब्लू वाली ये छोटी बच्ची के लिए थी, वही 3-4 ईयर्स की बच्ची के लिए थी, बहुत प्यारी थी और वही 250 रुपीज़ थे। तो एक लुक आपने देख लिया, इस टाइप के फ्रॉक्स भी आपको लाजपत नगर में काफ़ी जगह कई सारे स्टोर पर मिल जाएंगे, कहीं पर आपको 200 रुपये की मिलेंगी, कहीं पर आपको 250 रुपये की मिलेंगी। तो देखिए कि वाली बहुत अच्छी थी चैक्स में, और इस तरीके से देखिए कि बेबी पिंक कलर एंड मस्टर्ड की कॉम्बिनेशन थी। तो मैंने भैया इसका भैया इसको थोड़ा सा मुझे दिखाई, मुझे बहुत प्यारी लगी वाली भी, कि ब्लू कलर की तो बहुत प्यारी वाली फ्रॉक्स थी, तो आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं इसके अलावा आप कौन सी मार्केट की वीडियो देखना चाहते हैं और इसके अलावा क्या देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलने पर फिर भैया ने वैसे वाली फ्रॉक्स और वो शर्ट्स वगैरह लगाई थी जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं, तो ये काफ़ी सारे हर स्टॉल पे आपको मिल जाएगी। ये अंकल ने 350 की लगाई हुई थी भैया ने ये, और कुछ आपको काफ्तान भी मिल जाएंगे यहाँ पर, काफ्तान ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। उसके अलावा लाजपत नगर में आपको एथनिक एंड वेस्टर्न दोनों ही बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा। ये तो मतलब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पटरी मार्केट टाइप है, देखिए मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। उसके अलावा शॉप्स जो हैं आपकी शॉप्स भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, एथनिक वेयर से लेके आपको चिकनकारी मिलेगा, आपको जो है शॉप्स में मतलब आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। हालांकि थोड़ी सी सेंट्रल मार्केट कोस्ट है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर आपको बिल्कुल फ्रेंक मतलब फ्रेंक बता रही हूँ ये चीज़ें। तो शॉप्स पे लेकिन वैरायटी आपको जो मिलेगी ना बिल्कुल हटके मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद सेंट्रल मार्केट से काफ़ी कुछ परचेज किया हुआ है, पहले मैंने साड़ी वगैरह लिए हैं, सूट्स वगैरह लिए हुए हैं, थोड़े से कॉस्टली तो होते हैं बट आपको वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी बाकी अदर मार्केट से। तो देखिए कोई इन्हें टॉप लगाए हुए थे 250 रुपीज़ में मात्र टॉप थे ये, और बहुत ही प्यारे प्यारे थे कलर प्रिंट डिज़ाइनिंग, वही अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड, बहुत अच्छा कलेक्शन था और बहुत ही प्यारे प्यारे थे सीरियसली, मतलब 250 रुपये में इससे अच्छे टॉप आपको नहीं मिलने वाले। फैब्रिक भी ना बिल्कुल जैसे इंपोर्टेड फैब्रिक टाइप होता है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला वैसी क्वालिटी का फैब्रिक था, कुछ चिकनकारी पे भी इस तरीके से मिल रहे थे स्ट्राइप्स वाले, पर्सिपति स्ट्रिप्स वाले, तो जो पहनना पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन था। कुछ आपको जैसे ये जॉर्जेट वगैरह पे मिल जाएंगे, देखिए ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी, इनमें वेरॉन पे थे, जॉर्जेट पे थे, शिफॉन पे थे, अगेन बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन प्रिंट्स थे, कलर्स थे, तो समर के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा।
सो देखिए इस टाइप के टी शर्ट टाइप में देखे भी पिंक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन में भी कितना प्यारा है, बहुत अच्छी मिलती है इवन। तो आप आगे आप देख सकते हैं ये भैया ने एक जो वो होते हैं ना कि टेबल रनर टाइप, जो ये बीड्स वाले थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छे थे, मतलब ये 1000 रुपीज के वो दे रहे थे भैया। हालांकि मुझे थोड़े कॉस्टली लगे, अगर मैं मतलब फ्रेंकली बोलूँ तो मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे, बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी ये, मतलब कॉस्टली के साथ साथ कह सकते हैं मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सुपर थे। आपकी डाइनिंग टेबल, आपकी सेंटर टेबल, सोफे की बिल्कुल चमक जाएगी अगर आप इनको यूज़ करेंगे। जो इससे थोड़ा छोटा साइज था वो 700 का था, कुछ ये राउंड में भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया था, मेरा हाथ लग गया था, तो थोड़ी सी इमेज आपको ना क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन बहुत ही अमेजिंग थे वाले भी, और ये आपको 300 रुपीज कॉस्ट करेगा। तो बार्गेनिंग हो रही है थोड़ा सा, आप अगर भैया कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। अगर आप मार्केट विजिट करते हैं तो इनके पास आपको कुशन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर कुशन की भी भरपूर वैरायटी मिलेगी, हर टाइप की क्वालिटी मिल जाएगी आपको, हल्के से हल्का और इवन अच्छे से अच्छा आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैंने कुशन का सेट पूछा था, एक बड़े वाले जो कुशन होते हैं हमारे, तो भैया ने 2200 रुपये का 5 का सेट बताया था। ऐसे सेंट्रल मार्केट में आपको जैसे बैग्स की, बच्चों के टॉयज की, जैसे भैया काफ़ी सारे ना बेचारे रखे रखते हैं ये ऐसे रोड पर, तो ये बैग्स मिल जाएंगे, शॉपिंग बैग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, लंच बॉक्स जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हमारी उनके लिए लंच बॉक्स मिल जाएंगे, लंच बॉक्स बैग्स वगैरह होते हैं वो मिल जाएंगे। तो भैया ने जैसे काफ़ी सारी यहाँ पे वॉच लगाई हुई थी आप देख सकते हैं, और ये वॉच जो थी बच्चों की भी इसमें लगाई हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, ये भी क्यूट क्यूट सी थी काफ़ी। सो बच्चों वाली तो भैया ने 250 रुपये की बताई, और जो जेंट्स वाली और लेडीज़ वाली थी वो भैया ने बताया 400 से 500 रुपये के, अलग अलग सबकी मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग भैया ने रेट बताए थे, वो 400 से 500 के बीच के आ जाएगी। फिर जैसे एक फ्रॉक का स्टॉल था, देखिए यहाँ पर सिर्फ 200 की फ्रॉक थी भाई कॉटन वाली, तो जैसे कुछ जेंट्स टी शर्ट ही भैया ने एक शॉप के बाहर लगाई हुई थी, तो ये टी शर्ट भी अच्छी थी घर वालों में डालने के लिए, फिर आप कहीं पहनकर भी जा सकते हैं बाहर, ऐसे कोई इशू नहीं जाओ, क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। तो टी शर्ट और ये शर्ट्स का यानी जैसे सिर्फ 200 रुपीज़ में लगाई हुई थी। जेंट्स टी शर्ट आप देखिए, ये वाली भी अच्छी थी डनी में, कि जैसे आप बीच वगैरह पर जा रहे हैं आजकल, जैसे समर्स वगैरह में वो वगैरह जा रहे हैं, तो उस टाइप से 200-200 रुपये में मुझे ये बहुत अच्छी टी शर्ट्स लगी जेंट्स में, तो ले सकते हैं। ऐसे कोई क्वालिटी का कोई ऐसा खास इशू नहीं था कि क्वालिटी अच्छी थी, ऐसा नहीं था। तो देखिए इस तरीके से आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।